नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 और 3 सितंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, से साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होंगे, आपके जीवन काल पर क्या होंगे, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य हैं जो कि आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर आपका कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दोनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होते होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जो कि आपके लिए और आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 2 सितंबर की बात करें तो गुरुवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और आद्रा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। व्यातिपात नाम का शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं जो कि आपके कार्यक्षेत्र के लाभकारी होंगे। राहु काल का समय दिन दोपहर के 1:59 से लेकर शाम के 3:33 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे, आप राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा जो है इस दिन मिथुन राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन 3 सितंबर की बात करें तो दोस्तों, इस दिन शुक्रवार का दिन होगा, माँ लक्ष्मी माँ भवानी का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और इस दिन पुनर्वसु नाम का नक्षत्र के उपरांत ही वरीयान नाम का शुभ योग रहेगा। जी दोस्तों, और इस दिन राहु काल समय सुबह के 10:52 से लेकर दोपहर के 12:26 रहेगा और चंद्रमा का गोचर इस दिन जो है मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि में हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं दो दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय आपको काफ़ी हद तक हर प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान सकारात्मक बदलाव के कारण आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा और दोस्तों, इसके चलते आप पहले से अधिक अपना मन जो है कार्य में बेहतर प्रदर्शन की ओर लगा पाएंगे। दोस्तों, यश में आप अपने सोचे हुए कामों को जल्दी पूरा कर लेंगे। वह दोस्तों, यश में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो आपको कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति यश में बन सकती है। किसी बिगड़े हुए काम में बड़ों की सलाह लेना आपके लिए यह समय इन दिनों में उचित होगा। रिश्तेदारों की वजह से कुछ तनाव पैदा हो सकता है। क्रोध पर यश में आप काबू रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, यश में इन दिनों में आपके लिए दिन जो है कई तरह की आशाओं और इच्छाओं से भरा भी हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ऐन मौके पर उन्हें अपनी कुछ योजनाओं में परिवर्तन करना पड़े। दोस्तों, यश में आपको समय के साथ चलना होगा, परिस्थितियों से संतुलन बनाएं। आप यश में आसानी से चलने वाले मूड में रहेंगे, दिनचर्या जारी रहेगी। दोस्तों, इन दिनों में आप चीज़ों को आसानी से हैंडल भी कर पाएंगे और समाधान भी यश में खोज लेंगे। दोस्तों, यश में इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो कुल मिलाकर ये जो दिन है आपके लिए बिजनेस में कोई नई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिससे आपको लाभ होगा। दोस्तों, इन दिनों में जो लोग बिजनेस मैन हैं उन्हें यश में जो है आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी यश में मिल सकती है। दोस्तों, यश में आपकी अगर लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में प्रेम में पड़े जातकों को कार्य से जुड़ी किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जिसके चलते आप अपने प्रेमी को जरूरी समय दे पाने में पूरी तरह असमर्थ होंगे। हालांकि दोस्तों, आपका प्रेमी इस बात को समझेगा भी और आपको पूरी तरह सहयोग भी करेगा। दोस्तों, ऐसे समय में प्रेमियों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने रिश्तों को शादी में बदलने के लिए आप यह समय बात कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यश में आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है।
दोस्तों यह समय माइग्रेन से पीड़ित लोग विशेष सावधानी रखें। वही दोस्तों यह समय खान पान पर भी संयम रखें, अन्यथा उदर विकार होने की संभावना भी बन रही है। दोस्तों यह समय आपकी भाग्यशाली रंग की अगर बात करें तो भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा 1। दोस्तों इन दिनों में किसी निजी या फिर कारकिर्दनी के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दिन होगा। दोस्तों यह समय दोपहर के बाद पारिवारिक सदस्यों के साथ खूब आनंद में समय बीतेगा। आप सुंदर अवसर का लाभ उठाएंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों यह समय आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय लोकप्रिय होने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय काम पर आप अधिक मन लगाएं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने बॉस के साथ जो है वाक्य युद्ध भी कर सकते हैं, यानी बातों के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इन बातों में यश में बिल्कुल ना पड़ें। यश में आप अपने वाणी पर संयम रखें, कोई भी बात बोलें बहुत ही मधुरता से। दोस्तों यश में टहलकर खुद को तरोताज़ा रखना आपके लिए अच्छा विचार होगा। दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो चाहे आप कुंवारे हो या फिर विवाहित, अपने प्रेमी से झगड़े में मत उलझें, वरना आप अपने रिश्तों को खतरे में डाल देंगे। अपने प्रेमी से प्यार से पेश आए। दोस्तों यश में अपने जान से प्यारे व्यक्ति की हर बात पर आप परवाह करें। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो ये जो दिन है कुछ हद तक सट्टेबाजी के हक में है। दोस्तों यश में अपना पोजीशन केवल शॉर्ट टर्म के लिए बनाएं। सट्टा गतिविधियों में दीर्घकालिक स्थिति बहुत ही लाभप्रद साबित नहीं हो सकती है। गणेश जी का मानना है कि यह समय आप अपने लक्ष्य बहुत ही ऊंचे बनाएंगे। दोस्तों इन दिनों में दिन का जो आरंभ है बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि दूसरी छमाही के कारण आपको यह समय बड़ों या फिर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे अगर आप बहस करेंगे तो आपके मन में बुरे विचार आ सकते हैं। काम से संबंधित मामलों में अपनी ऊर्जा को लगाने के लिए यह एक बहुत अच्छा समय होगा। वहीं दोस्तों यह समय आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित भी करेंगे। यह समय जेवर और एंटिक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। आपके जीवन साथी की सेहत आपको चिंता में डाल सकती है। दोस्तों यह समय थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आपके लिए आपका जो प्रेम जीवन है बहुत ही अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश रखने में यश में कामयाब रहेंगे। कोई रोचक मैगनीज या फिर उपन्यास को पढ़ के ये जो दिन है आपके लिए अच्छी तरह व्यतीत होगा। आपका जीवन साथी आपको काफ़ी रोमानी मिजाज में रखेगा। आपकी ऊर्जा जो है यश में बेवजह के कामों में जाया हो सकती है, इनका आप ध्यान रखें। जीवन को सही से जीना चाहते हैं तो दोस्तों अपने जीवन के टाइम टेबल के हिसाब को चलाना सीखें। दोस्तों यश में आप 9 वर्षों तक की कन्याओं को भोजन सामग्री बांटने से जो आपका पारिवारिक सुख है वो और भी बहुत अच्छा रहेगा। उनसे आप जो पारिवारिक कष्ट है उनसे आप यश में निजात पा सकते हैं। दोस्तों यह साल के आखिरी 3 दिनों में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यह साल के आखिरी 3 दिनों में किसी से भी आपको उधार पेशा नहीं लेना चाहिए और शादी दोस्तों यश में ना ही किसी की मदद स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि यश में स्त्रियों को पूर्ण सम्मान करें और व्यापार में नौकरी में घर की स्थिति की सलाह जरूर लें। सलाह यश में उनके जरूर माने, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे और आपके अगले साल के लिए भी बेहतर होंगे। तो दोस्तों साल के आखिरी 3 दिनों में आप ये उपाय को जरूर करें, इनसे आप जरूर जो है सावधान रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, आपके लिए भाग्यशाली होंगे, आपके आने वाले साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।